हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन रोमकॉम। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे तो क्या खाना चाहिए और लेडीज़ को क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं एक मोटे तौर पर कि आपने प्रोटीन ज़्यादा लेना है, शुगर और फैट कम लेनी है, कम तेल वाला खाना खाना है और ज़्यादा पानी पीना है। तो अब डिटेल में जानते हैं कि आप किन चीज़ों को खा सकते हैं और किन चीज़ों को आपको नहीं खाना और किन चीज़ों को आपको फॉलो करना है। आप प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खाइए, जैसे कि दाल हो गया, नॉनवेज में जितना भी प्रोटीन आता है वो आप ले सकते हैं, जैसे मीट हो गया, चिकन हो गया। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट भी खा सकते हैं जिसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। आप एग खा सकते हैं और कोशिश करें कि आप डाइट में ग्रीन सब्जियाँ या फ्रूट्स को ज़्यादा शामिल करें। तो बात करते हैं किन चीज़ों को आपको नहीं खाना। तो आपने चीनी बहुत कम लेनी है, चावल बहुत कम लेनी है, ऑयली फूड बहुत कम लेना है या फिर आप कभी कभार ले सकते हैं। मैदे वाली चीज़ें आपने बिल्कुल बंद कर देनी है। इसके अलावा कम से कम आपने 30 मिनट की वॉक रोज़ाना ज़रूर करनी है और 15 मिनट की एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, यानी अपने खुद को आपने 45 मिनट ज़रूर देनी है। इसके अलावा आप अपने माइंड को हेल्दी रखें। फॉलिक एसिड की जो मेडिसिन है वो आप प्रेगनेंसी के 3 महीने पहले ही लेना शुरू कर दें। इसके अलावा आप अपना विटामिन डी ज़रूर चेक करवाएं। अगर आप में विटामिन डी कम है तो उसकी डाइट लें, उसकी मेडिसिन लें, जैसे भी आप विटामिन डी को पूरा करें। ये बहुत छोटी सी वीडियो है लेकिन सभी लेडीज़ के लिए बहुत खास है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।